हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। उज्बेकिस्तान इंडिया के लिए सिक्योरिटी कोऑपरेशन के मामले में एक इतना इम्पॉर्टेंट कंट्री क्यों है, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रशिया का डायमेंशन, चाइना का डायमेंशन यहाँ पे आता है। सो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, यूपीएससी 2020 की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं studyiq.com से, और यू कैन कॉल दिस नंबर 9580048004 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF फाइल और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पर सर्च करिए धवन सर एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्वीट बाय इंडियन एयरफोर्स, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एक्सरसाइज डस्ट लेक 2019 रिसेंटली कंक्लूड हुई है। ये मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पहली बार हम देख रहे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया और उज्बेकिस्तान एक लार्ज स्केल ज्वाइंट फील्ड ट्रेनिंग हो रही है बिटवीन द आर्मी ऑफ उज्बेकिस्तान एंड इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं उज्बेक और इंडियन ट्रूप्स इकट्ठा यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं फॉर अ ब्यूटीफुल पिक्चर। और ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये हुई है ताशकंद में। ऑलराइट, नाउ ऑब्वियसली सबसे पहले आपको जानना होगा उज्बेकिस्तान है कहाँ पर और इसकी कैपिटल ताशकंद कहाँ पर है। सो एज यू कैन सी, ये आपके सामने एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत से आपको जाना होगा नॉर्थ की तरफ और यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल एशियन रीजन। ये जो देश हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब बिलोंग करते हैं उस रीजन को जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एशिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये पार्ट एशिया का केंद्र है। नाउ ये मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज काफ़ी सारी हैं, उनमें से सिर्फ दो देश हैं जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। वो दो देश हैं कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। उज्बेकिस्तान कम्प्लीटली एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब कि इस देश के पास नेवी है नहीं क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है। उज्बेकिस्तान के लोग अगर चाहें कि इनको इंडियन ओशन में पहुंचना है या फिर पैसिफिक ओशन में पहुंचना है तो इनको यहाँ पर कजाकिस्तान से फिर रशिया ऑल द वे आगे जाना होगा, या फिर ये तुर्कमेनिस्तान और ईरान की हेल्प से यहाँ पर इंडियन ओशन में पहुँच सकते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। इमीडिएटली आपके माइंड में आएगा ऑलराइट ताशकंद फाइल्स, काफ़ी फेमस मूवी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी यहाँ पर। वेल देखिए बात सही है, मगर जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी उस वक्त उज्बेकिस्तान एज ए कंट्री एग्जिस्ट करता नहीं था, क्योंकि उज्बेकिस्तान का जन्म ही हुआ था 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया था। बहुत से कंट्रीज टूट के उससे बने थे, उनमें से एक देश था उज्बेकिस्तान। आज के समय एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, फ्लरिश कर रहा है और यहाँ पे जो करेंसी लोग इस्तेमाल करते हैं ये है उज्बेकिस्तानी सोम, SOM सोम। नाउ आपने नोटिस किया कि उज्बेकिस्तान की जो लोकेशन है कितनी ज़रा इम्पॉर्टेंट है, और वेरियस और कारणों की वजह से एक और कारण यहाँ पे एक और है वो मैं आपको बताऊँगा, मगर उज्बेकिस्तान की जो इम्पॉर्टेंस है वो हमारी लीडरशिप ने बहुत ही लंबे समय से समझ ली थी। जैसे ही उज़्बेकिस्तान September 1, 1991 में आज़ाद हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसी के कुछ साल बाद, दो साल के अंदर अंदर इस कंट्री को विजिट करने के लिए गए। ये थे PV नरसिम्हा राव साहब, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट उज्बेकिस्तान। उसके बाद डॉक्टर सिंह भी यहाँ पर गए। फिर हमने देखा कि 2015 में PM मोदी यहाँ पर गए थे ऑन अ हिस्टोरिक विजिट टू उज्बेकिस्तान, और रिस्पॉन्स में उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं इस्लाम करीमोव, ये भी काफ़ी बार इंडिया आ चुके थे। और अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि रीज़न है ट्रेड, कि आपस में हमारा ट्रेड बिलियंस का होगा, तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इंडिया और उज्बेकिस्तान का जो बायलैटरल ट्रेड है ये रीसेंट डेटा के हिसाब से सिर्फ $235 मिलियन है, जो इंडिया जैसे देश के लिए एक इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। इंडिया का जो मेन इंटरेस्ट है उज्बेकिस्तान में वो दो रीजंस की वजह से है। एक तो है यहाँ पर यूरेनियम, दूसरा है उज्बेकिस्तान की स्ट्रेटजिक लोकेशन। वहाँ पे ऑफ कोर्स रशिया का फैक्टर भी आता है। पहले हम बात करते हैं यूरेनियम की। उज्बेकिस्तान के पास बहुत सारा रिजर्व है यूरेनियम का। तो रिसेंटली January 2019 में जब उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे वाइब्रेंट गुजरात समिट में, उस वक्त इंडिया और उज्बेकिस्तान ने डील साइन करी है यूरेनियम सप्लाई की, कि उज्बेकिस्तान इंडिया को यूरेनियम सप्लाई करेगा इन अ वेरी हैवी क्वांटिटी। नाउ अभी के लिए जो हमारे देश में न्यूक्लियर रिएक्टर हम चला रहे हैं उसमें जो हम यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं वो आ रहा है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, कभी कभी हम रिफाइंड यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम ले आते हैं रशिया से भी, इवन तो हम उसको खुद एनरिच कर सकते हैं। जो यूरेनियम आएगा उज्बेकिस्तान से ये काम करेगा हमारे स्ट्रेटजिक यूरेनियम रिजर्व का। देखिए इंडिया ये मानता है कि कल को
एक इमरजेंसी लागू हो जाती है, कुछ भी होता है, दुनिया में वॉर स्टार्ट हो जाती है, बेसिकली एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। तो ऐसे टाइम में हमारे पास इतना यूरेनियम होना चाहिए कि हम 5 साल तक काम कर सके, हमें 5 साल तक यूरेनियम को इम्पोर्ट करने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए, एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि इंडिया फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग करे, फिर से हम पर सैंक्शंस लगे जैसे कि पोखरान टेस्ट के बाद लगे थे। तो ऐसे टाइम में हम ये नहीं चाहते कि यूरेनियम की सप्लाई बंद हो जाए, इसलिए हम लोग एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक यूरेनियम रिजर्व बना रहे हैं। ये कहां पर बनेगा अभी डिसाइड हुआ नहीं है, बट वी आर मेकिंग इट, और इसमें हमारी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है उज्बेकिस्तान। नाउ यूरेनियम के बाद हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन की। उज्बेकिस्तान अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है 5 देशों के साथ, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, चाइना और रशिया के साथ। ये एक डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता, मगर आप देखेंगे यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है तजिकिस्तान। तजिकिस्तान वो सेंट्रल एशियन कंट्री है जहाँ पर इंडिया का एक फॉरेन एयरबेस है, इसके बारे में आपने सुना होगा कभी कभी, ये है फरखोर एयरबेस। ये एक मिलिट्री एयरबेस है नियर द टाउन ऑफ फरखोर इन तजिकिस्तान। ये सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है ऑफ तजिकिस्तान कैपिटल दुशानबे। नाउ इंडियन एयरफोर्स क्या इस एयरबेस को यूज इस वक्त कर रही है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। रिपोर्ट्स यही है कि यहाँ पर कोई MiG-21 या फिर कोई जैसा विमान वगैरह डिप्लॉयड है नहीं, मगर ये एयरबेस हमारे पास है। और रिसेंटली 2018 में हमारे प्रेसिडेंट तजिकिस्तान गए थे एक और नए एयरबेस पे काम करने के लिए। तो तजिकिस्तान के पास में ही है उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान में हमारे एयरबेसेस हैं। तो अगर हम उज्बेकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बहुत ही हाईएस्ट लेवल तक लेके जाते हैं तो सेंट्रल एशिया से हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमांड पा सकते हैं इस पूरे रीजन में। और इस सब में इंडिया की एक्चुअली हेल्प कर रहा है रशिया। नाउ रशिया क्यों हेल्प करना चाहेगा इंडिया की कि हमारा इन्फ्लुएंस बढ़े तजिकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान में? तो यहाँ पर आती है पावर पॉलिटिक्स। ये समझाने के लिए आपको फिर से मुझे ले जाना पड़ेगा मैप की तरफ। नाउ जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल रोल ये है कि कोई भी आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता, परमानेंट दुश्मन नहीं होता, सिर्फ आपके इंटरेस्ट होते हैं। नाउ रशिया के जो इंटरेस्ट हैं वो आज के टाइम में 2 टाइप के हैं। वो चाहते हैं कि चाइना से इन्वेस्टमेंट आए, चाइना के साथ कोऑपरेशन वो इंक्रीज करे, ट्रेड इंक्रीज करे, मगर साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो सेंट्रल एशिया रीजन में इतना ना बढ़ जाए कि ये रशिया की जो हेजेमनी है, रशिया की जो डोमिनेंस है इस रीजन में, इसको चैलेंज करना स्टार्ट कर दे। पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उधार दिया है तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान को। इससे रशिया काफ़ी हद तक कंसर्न है। तो रशिया बेसिकली इनरोड्स बनाता है, बेसिकली आप कह सकते हैं एक ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर देता है इंडिया के लिए कि इंडिया यहाँ पे बात करे, यहाँ पे अपने एयरबेसिस सेटअप करे और इन कंट्रीज़ के साथ स्ट्रेटजिक डील करे। इससे बेसिकली रशिया काउंटर करने की कोशिश कर रहा है चाइना का इन्फ्लुएंस। क्या रशिया इसमें सक्सीड हो रहा है? देखिए, पहली बात तो इंडिया उतनी बड़ी इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी नहीं बन पाया जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज के टाइम में आपको पता है हमारा ग्रोथ रेट कहां पर पहुंच गया है, मगर फिर भी आप कह सकते हैं कि रशिया कुछ हद तक चाइना का जो डोमिनेंस है इन सेंट्रल एशिया ये इंडिया की मदद से कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। मगर आप इस सबको एक इंडियन परस्पेक्टिव से देखो तो हाँ, ये बात सही है कि आज के समय उज्बेकिस्तान को चाइना ने बिलियंस का उधार दे रखा है। और तो और उज्बेकिस्तान की सरकार ने रिसेंटली चाइनीज सिटीजन्स के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट भी ख़त्म कर दी है, ये बात रियलिटी है। मगर इंडिया को इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है क्योंकि हमारे जो कंसर्न है दो, पहली बात तो यूरेनियम की सप्लाई आ रही है यहाँ पे उज्बेकिस्तान से, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हो सकता है कि मिलिट्री एंगेजमेंट इतनी बढ़ जाए कि उज्बेकिस्तान में भी हम एक एयरबेस सेटअप कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी सामने आती है। ये ट्रमेंडस बेनिफिट देता है टू इंडिया, हमारा जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में इससे डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।